हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जी हाँ, आज मैं ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप चुटकियों में अपना वजन कम कर सकते हैं बिना सोचे समझे। तो मैं आज एक ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जो जिस प्रॉब्लम को मैंने भी झेला है। और मैं वेट लॉस करती थी और वेट फिर बढ़ जाता था, वेट लॉस करती थी वेट फिर बढ़ जाता था। आई थिंक सबके साथ ऐसा उस प्रॉब्लम को हर कोई झेलता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को भी वो ट्रिक फॉलो करने को बोली जाए जो ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ अपने परमानेंट वेट लॉस के लिए। कि मैं परमानेंट मतलब मुझे जो मेरा वेट लॉस है वो पूरी तरह से मेरा वेट मेंटेन रहे और वेट गेन भी ना हो। क्योंकि ये क्या होता है कि एक्साइटमेंट में हम वेट लॉस तो कर देते हैं कि उसकी शादी है तो मैंने लॉस कर दिया, खाया नहीं, ये नहीं किया, उसके बाद जब उसकी शादी चली जाती है तो हम फिर मोटे होकर बैठ जाते हैं। तो आज मैं ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ कि आप किस तरह से करें। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभी जैसे हम जब वेट लॉस की चीजें खाते हैं और हमारे सामने कोई हमारी पसंदीदा चीज आ जाती है तो हम रोक नहीं पाते हैं। और अगर हम एक कटोरी खाने वाले होते हैं तो उस समय हम सोचते हैं कि मतलब इतनी पसंद होती है, हम इतने दिन से खाए नहीं होते तो हम चार कटोरी खा लेते हैं। तो वो जो क्रेविंग है उस क्रेविंग को इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि नॉर्मल खाने की बजाय हम दुगना तिगुना चौगुना खा लेते हैं। जिससे कि मतलब वेट तो उसे बढ़ता ही बढ़ता है हमारी बॉडी के लिए, जो अच्छा नहीं होता है। और ये चीज आई थिंक सब उस प्रॉब्लम को झेलते हैं कि वेट लॉस करते हैं फिर बढ़ जाता है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसी ट्रिक है जो मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। कि जब भी आपका क्रेविंग हो, किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो सकती है, मीठे की, नमकीन की, समोसे की, चाउमीन की, मैगी की, बताशे की, टिक्की की, बताशे आप एज अ स्नैक खा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ की अगर आपको क्रेविंग हो तो उस समय आप अपने घर में हमेशा ऐसी चीज़ें रखिए जैसे जो मैं बोलती हूँ, जो ग्रॉसरी रखिए जो वेट मेंटेन करने या वेट लॉस करने में बहुत। आप जाइए उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए जो भी आपका बाउल फुल बाउल भर के मूसली खा लीजिए या फिर पोहा बना के खा लीजिए या फिर भुट्टे वाली चाट बना के खा लीजिए, कुछ भी जाके खा लीजिए। और उसके बाद जब आप खाएंगे और जब बैठेंगे उसके बाद उस चीज़ की क्रेविंग आपको चली जाएगी। फ्रेंड्स, यकीन मानिए मैं इसे बहुत दिन से फॉलो कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होती किसी चीज़ की। और जब भी होती भी है तो मैं और जब भी मुझे क्रेविंग होती है इसी ट्रिक को फॉलो करती हूँ। कि जो भी मेरी वेट मैनेज या फिर वेट लॉस से रिलेटेड मेरी ग्रॉसरी घर में रखी हुई है या फिर अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है तो कुछ ना कुछ बना के फ्रिज में रखिए और जब भी आपको क्रेविंग हो जाके उसे भरपेट खा लीजिए। वो चाहे उस समय टाइम मत देखिए कि कौन सा टाइम है, ये एक नाइट है, ये बस उस चीज़ को भर के खा लीजिए। क्योंकि जो आपकी क्रेविंग होगी और जो आप वेट मैनेज या वेट लॉस दिखाएंगे उससे उसकी कैलोरीज कहीं ज़्यादा लो होंगी तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत छोटी सी ट्रिक है, फॉलो करके देखिए अपनी लाइफ स्टाइल में। मतलब कि वेट लॉस के मामले में आप बिल्कुल फिट रहेंगे, हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, बॉडी टोन रहेगी, कभी भी आपका वेट जो है बढ़ेगा नहीं। बहुत छोटा सा वीडियो था कि मैं क्या करती हूँ अपने वेट को मैनेज करने के लिए, लॉस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।